in this illustration we are given this figure and this figure shows an object placed in front of a plane mirror this is the plane mirror and this is the object under consideration placed in front of this plane mirror p q r are the three positions where the image of the object may seen this is the p q r it is in position jahape is object kame image देखा जा सकता है जहां पे इसके इमेज के देखे जाने की पॉसिबिलिटी है ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द इमेज एट पोजिशन क्यू अगर ऑब्जर्वर ए पोजिशन में है तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज को क्यू पे देखता है वेयर डज द ऑब्जर्वर बी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर बी की पोजिशन में हो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे देखेगा पी में क्यू में या आर में ये हमें एनालाइज करना है तो डायग्राम मैं प्लेस कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में इसको मैं कॉपी करता हूं यहां पे मैंने प्लेस कर लिया अब इमेज हम लोग ड्रॉ करते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा ये यह मैंने यहां पे मिरर रख दिया और ये ऑब्जेक्ट में प्लेस कर देता हूं इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहां पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट जो लर्न किया था उसको यूज कर लें कि अगर लाइट की रे प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो लौट जाएगी वापस और जितनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर उतनी होती है इमेज डिस्टेंस बैक साइड मिर तो अगर एक्सटेंड करूं, तो करूंगा तो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतनी डिस्टेंस पे बिहाइंड प्लेन मिरर इमेज होगा तो ये लाइट की रे लौट गई और यहाँ पे ये लाइट की रे इस डायरेक्शन से आती हुई अपेयर होगी एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होगी यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा और अगर आई की पोजीशन सपोज यहां पे है तो ये लाइट की रे वापस आई में स्ट्राइक करेगी दैट मीन्स ये जो आई ए पोजिशन में है उसका इमेज यहां पे देखेगा दैट इज पोजिशन क्यू में और ऐसा क्वेश्चन में कहा भी जा रहा था लेकिन अगर ऑब्जर्वर बी पोजीशन में है अगर हम लोग इसे यहां कहीं से देख रहे हैं तो पोजीशन बी में रेज पहुंचनी चाहिए कहां से object से से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो तो अगर मैं लाइट रेज इंसिडेंट कराऊं प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट तो होने के बाद इस डायरेक्शन में आनी जरूरी है अगर इस डायरेक्शन में आ रही होंगी तो हम लोग कहेंगे इमेज अगर उन लाइट की रेज को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगा तो अगर मैं लाइट की रेज लेता हूं कि यहां पे आईज तक पहुंच जाए तो मैं यहां से इंसिडेंट करा दूं तो आइज तक पहुंच रही हैं। आप यहां पे देख सकते हो लाइट की रेज प्लेन मिरर से इंसिडेंट करने के बाद डाइवर्ज हो गई फैल गई अगर इन रेज को पीछे की तरफ़ एक्सटेंड करेंगे, तो यहां पे मीट करेंगे यहां पे मीट कर रही है बिहाइंड प्लेन मिरर इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज की पोजिशन है यहां पर मीट करने का मतलब क्या हुआ क्यू पोजिशन में तो यहां पर इमेज फॉर्म होगा क्यू पोजिशन में ओके अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर बी आल्सो ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजिशन क्यू पोजिशन क्यू पे ही इसका इमेज देखेगा यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गई जिसे हम लोग बाद के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे द पोजिशन ऑफ द इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर यहां पे ए बी सी कहीं भी भी पोजिशन में हो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी हो सकता है यहां पे या ऊपर की तरफ हमेशा इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यही पे देखेगा means, जो ऑब्जर्वर ए पोजीशन पोजीशन से इसका इमेज की देखेगा वही बी पे देखेगा और ये कहीं पे भी ऑब्जर्वर होगा तो इमेज की पोजीशन चेंज नहीं होगी दैट मीन्स पोजिशन द इमेज विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर नाउ लेट एस टेक वन मोडेशन इन दिलस्टेशन वी आर गिविंग टू प्लेन मिरर्स एम वन एंड एम टू आर इनक्लाइंड एट एंगल थीटा एम वन और एम टू ये दोनों प्लेन मिरर हैं और थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है पैरल आ रही है और एम वन मिरर में इंसिडेंट होती है वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा ये थीटा की वैल्यू हम लोगों को बतलानी है लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लैक्शन हम लोगों को थीटा की वैल्यू बतलानी है कि लाइट की रे तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद अपने क्वेश्चन okay? हम लोगों को प्लेन मिरर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूम है कि अगर कोई लाइट की रे किसी प्लेन मिरर में नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो वो अपने पात को रिट्रेस कर लेगी क्यों क्योंकि अगर लाइट की रे नॉर्मल डायरेक्शन में आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा इसीलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी ओके okay? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ लाइट रे रिट्रेस इज शुड स्ट्राइक वन ऑफ द मिरर नॉर्मली किसी एक मिरर में उसका नॉर्मल इंसिडेंस होना जरूरी है सपोज मैंने ये मिरर ले लिए एम वन एम टू पर लाइट की रे आ रही है एम टू के पैरल और स्ट्राइक करती है एम वन को सपोज ये नॉर्मल इंसिडेंट ही हो रहा है तो ये वापस लौट जाएगी लेकिन इस पर्टिकुलर केस में इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट टाइम यहां पे हुआ सेकेंड टाइम यहां दैट हुआस रिफ्लेक्शन दो बार हुआ इट इज नॉट रिक्वायर्ड हमें तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे को रिटेस कराना है तो तीसरी बार रिफ्लेक्शन तब पॉसिबल है कि लाइट की रे नॉर्मल इंसिडेंट ना हो किसी एंगल पे इस तरह से आए और यहां पे आने के बाद ये टर्न हो जाए और नॉर्मल इंसिडेंट यहां पे हो तो अब मैं इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूं ये है लाइट की रे आएगी किसी एंगल पे यहां पे इंक्लाइंड होगी और ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा यहां पे नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो यहां रिफ्लेक्शन वन रिफ्लेक्शन टू एंड रिफ्लेक्शन थ्री तीसरी बार रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस चली जाएगी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी ओके अब यहाँ पे हम लोगों को थीटा डिग्री मालूम करना है हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें एन वन यहाँ पे एन टू और यहाँ पे एन थ्री नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दें दिस एंगल इज थीटा और ये जो लाइट की रे है सर्फिस के पैरल है दैट मीन दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा अगर ये थीटा है ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा दिस एंगल इज 90 डिग्री दैट मींस दिस एंगल इज थीटा यहां पे हो जाएगा। और आप यहां पे देखेंगे दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, पे यहां पे जो बनेगा 90 डिग्री और ये थीटा है आप ये ट्रेंगल देख सकते हो ये वाला ट्रेंगल इस ट्रेंगिल में थीटा टू थीटा और दिस 90 डिग्री और हम लोगों को मालूम है कि समेत ट्राइंगल तो तो को देखता हूँ एन वन एन टू एन थ्री तो जितने भी एंगल्स हैं इनका समेशन 180 डिग्री होना चाहिए दैट मीनस थीटा प्लस नाइंटी प्लस टू थीटा शुड बी टू वन एटी डिग्री अब थ्री थीटा Plus 90 equal to 180 degree, 3 theta equal to 90. That means theta is equal to 30 degree. Theta ki value yahan pe jaayegi, 30 degree. Dear aspirants Sanghese India has launched the new edition of our G Advanced Physics books. Please visit www.sangez.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.